السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنا علما، अल्लाहुम्मा फक्किहना फिद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानि सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानि सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानि सगीरा। आज हम सूरत अल अनाम की आयत नंबर 58 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दीजिए, लो अगर अन्ना बेशक इंदी मेरे पास होती माँ वो चीज़ के तस्तअजिलूना तुम जल्दी तलब कर रहे हो बिही उसको लकुज़ियल अम्रु तो यकीनन फैसला कर दिया जाता अम्रु मामले का बैनी मेरे दरमियान व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान वल्लाहु और अल्लाह ताला आलमु खूब जानता है बिज़ालिमीन जालिमों को। यानी अगर अल्लाह ताला मेरे तलब करने पर फौरन अजाब भेज देता या अल्लाह ताला मेरे इख्तियार में ये चीज दे देता तो फिर तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक अजाब जल्दी भेज कर ही फैसला कर दिया जाता। लेकिन ये मामला चूंकि कलियतन अल्लाह ताला की माशियत पर मौकूफ है इसलिए उसने मुझे उसका इख्तियार नहीं दिया और ना ही मुमकिन है कि मेरी दरख्वास्त पर अजाब फौरन नाजिल फरमा दे। ज़रूरी वजाहत हदीस में जो आता है कि एक मौके पर अल्लाह ताला के हुक्म से पहाड़ों का फरिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसने कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें तो मैं सारी आबादी को दोनों पहाड़ों के दरमियान कुचल दूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनकी नस्लों से अल्लाह की इबादत करने वाला पैदा फरमाएगा जो उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। सही बुखारी की रवायत है। हदीस आयत जेरे वजाहत के खिलाफ नहीं है जैसा कि बजाहर मालूम होती है इसलिए ये आयत में अजाब तलब करने पर अजाब देने का इजहार है जबकि इस हदीस में मुशरकीन के तलब किए बगैर सिर्फ उनकी इजादही की वजह से उन पर अजाब भेजने का इरादा जाहिर किया गया है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया। आयत नंबर 59 वइंदहु और उसी के पास हैं मफातिहुल गैबी चाबियां गैब की ला यअलमुहा नहीं जानता उन्हें कोई भी इल्ला मगर हो वा वही वयअलमु और वो जानता है मा जो कुछ फिल बर्री वल बहरी खुशकी और तरी में है व मा तस्कुतु और नहीं गिरता मिन कोई
वरका दिन पत्ता भी इल्ला मगर या अलमुहा वो जानता है उसको वला हब्बातिन और ना कोई दाना फी जुलुमातिल अर्जी जमीन के अंधेरों में वला रतबिन वला याबिसिन और ना कोई तर चीज और ना कोई खुश्क चीज इल्ला मगर फी किताब मुबीन सब वाजे किताब में है और उसी के पास हैं चाबियां गैब की नहीं जानता उन्हें कोई भी मगर वही और वो जानता है जो कुछ खुश्की और तरी में है और नहीं गिरता कोई पत्ता भी मगर वो जानता है उसको और ना कोई दाना जमीन के अंधेरों में और ना कोई तर चीज और ना कोई खुश्क चीज मगर सब वाजे किताब में है। किताब मुबीन से मुराद लोहे महफूज है। इस आयत से भी मालूम हुआ कि आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। गैब के सारे खजाने उसी के पास हैं। इसलिए कफारो मुशरकीन और मुआनदीन को कब अजाब दिया जाए इसका इल्म भी सिर्फ उसी को है और वही अपनी हिकमत के मुताबिक उसका फैसला करने वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला ने गैबी अमूर को उन कीमती और अहम अशिया से तशबीह दी है जिन्हें संदूकों में बंद करके गायत एहतियात के तौर पर ताला डाल दिया जाता है। इन गैबी उमूर का इलम अल्लाह ताला के सिवा किसी को नहीं है। आयत का मफहूम यह है कि तुम लोग जिस अजाब के लिए जल्दी कर रहे हो वो मेरी कुदरत से बाहर की बात है और ना मुझे इसका इलम ही है कि मैं तुम्हें उसके आने का वक्त बताऊं। इसका ताल्लुक अल्लाह ताला की कुदरत और उसके इलम से है। उसकी माशियत जब चाहेगी अजाब आएगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने बाज मुशाहदात का जिक्र करके मजीद तकीद फरमाई कि तमाम गैबी अमूर का इल्म सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को है। चुनाचे फरमाया कि बहरू बर में जो कुछ है उसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की जात को है और इस हकीकत के बयान में मजीद मुबालगा के तौर पर कायनात की अनगिनत जज़ियात के बारे में फरमाया कि उन सब का इलम सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत को है। इस आयत से काहिनों नजूमियों और गैब की बातें बताने वालों की तर्दीद होती है जो कशफ अलहाम का झूठा दावा करते हैं। وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں پانچ ہیں إِنَّ اللَّهَ إِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سورہ لقمان میں بے شک اللہ تعالی اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور وہ بارش برساتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے اور کوئی شخص نہیں جانتا कि वो कल क्या कमाई करेगा और कोई शख्स नहीं जानता कि वो किस जमीन में मरेगा। बेशक अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला पूरी खबर रखने वाला है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गैब की कुंजियां पांच हैं।
उन्हें अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। नंबर एक, अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता कि रहम मादर में क्या है। अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता कि बारिश कब होगी। अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता कि किस सरजमीन में उसकी मौत आएगी। और अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता कि कयामत कब आएगी। बुखारी की रवायत है। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन लोगों के सामने बैठे हुए थे कि इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले आए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया, कयामत कब आएगी? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे पूछा जा रहा है वो पूछने वाले से ज्यादा इस बात का इलम नहीं रखता। बुखारी की रवायत है। वमा तस्कुतु मिन वरकाती इल्ला यअलमुहा वला हब्बातिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़ वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। किताबी मुबीन से मुराद लोहे महफूज है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मखलूकात की तकदीरें आसमानों और ज़मीन की तख्लीक से 50,000 साल पहले लिख ली थी और उस वक्त अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था। रब्बी फिली वालिदैया वालिमन दाखला बेतिया मुमिनम वालिलमुमिनीना वालमुमिनात सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।